आज इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस समझने वाले हैं दो अलग अलग एक्टिविटीज की हेल्प से। सबसे पहले एक्टिविटी जो है हमारी वो है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने क्या किया है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और यहाँ पे मेरे पास में क्या है एग है। तो जो एग की शेल होती है वो हमारी क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेसिक होता है नेचर में, और ये हमारे पास एसिड है। तो हमें पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और यहाँ पे इस केस में क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो जैसे मैं इसको इसमें डालूंगा एक रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारे पास। जैसे ही एग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर गया तो इसमें क्या हुआ बबल्स बनने लगे। तो ये बबल्स जो बन रहे हैं यहाँ पे ये क्या है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यहाँ पे इसमें बन रही है और वो निकल भी रही है। तो ऐसे करते करते जितनी भी पूरी शैल है हमारी पूरी रिएक्शन जब तक होगी ये जितनी भी शैल है एग की वो क्या होगी हमारी खत्म हो जाएगी डिजोल्व हो जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में।